हेलो एवरीवन, आज के शोड में फिर हम एक वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं और वो निकली है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट सूरत में। तो फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए वैकेंसी है और पोस्ट जो है वो परमानेंट है। तो इस वीडियो में हम जो है वो डिटेल में वैकेंसी डिस्कस करेंगे, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, कौन से स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म की फ़ीस क्या है, एग्जाम की इंटरव्यू क्या हो सकती है, सारी बातें जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बना रहिए, तो बिना देरी के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह का जो है वो पूरा ऑफिशियल पीडीएफ यहाँ से आप देख सकते हैं। जो वैकेंसी निकली है वो निकली है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत में। तो जो ऐड आई थी ऑफिशियल साइट पे, तो वो आई थी 2 मार्च 2021 को, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो नीचे चलते हैं और देखते हैं वैकेंसी मैट्रिक्स का क्राइटेरिया क्या है। तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट दिखती होगी फार्मासिस्ट की, यहाँ पे बात होती है अगर पे स्केल की तो वो यहाँ पे आपको दिखता होगा। पे स्केल की जो लेवल है वो है 5 और ग्रेड पे की अगर हम बात करते हैं तो वो है 2800 के आसपास। कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आरिजोन कैटेगरी ओपन के लिए टोटल 1 वैकेंसीज है, जो अदर कास्ट है उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और अपर एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो अपर एज लिमिट है 27 ईयर। तो कुछ इस तरह की जो है वो एज लिमिट एंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो क्राइटेरिया है एग्ज़ाम का और वैकेंसी का क्राइटेरिया जो है यहाँ पे आपको दिखता होगा। नीचे चलते हैं और जो कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप देखते हो वो देखते हैं। तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखता होगा इंस्ट्रक्शन टू द एप्लीकेंट। तो यहाँ पे आप जो ऑफिशियल साइट है वो देखते होगी www.svnit.ac.in। तो यहाँ पे आपको जाके जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। इंस्टीट्यूट की जो है वो ऑफिशियल साइट है। लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ ऑन 19 अप्रैल 2021 टिल 5 PM जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है 19 अप्रैल 2021 5 PM तक। तो ऑनलाइन आप जब अप्लाई करोगे तो आपको फॉर्म की जो है वो सॉफ्ट कॉपी जो है वो डाउनलोड करनी है, साथ ही साथ आप जो पेमेंट करने वाले हैं उसकी भी रिसिप्ट आपको निकालनी है। और जो बेसिक डॉक्यूमेंट रहते हैं हमारे पूरे डिग्री डिप्लोमा के 10th 12th के, तो वो अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड करके जो है वो इस एड्रेस पर जो है वो भेजने होंगे। तो यहाँ से आपको एक बार मैं फील्ड रीड करके जो है वो बताता हूँ। द फील्ड इन अ डाउनलोडेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइन विद सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट पेमेंट रिसिप्ट मस्ट बाय द सेंड बाय द स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट टू द डिप्यूटी रजिस्ट्रार सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और जो यहाँ पे पूरा जो एड्रेस है यहाँ पे आपको दिखता होगा। तो इस एड्रेस पे जो है आपके सेल्फ अटेस्टेड करके जो है वो डॉक्यूमेंट भेजने हैं अप्लीकेशन के फॉर्म के साथ। नीचे आने के बाद आपको कुछ इसेंशियल डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एज एंड एक्सपीरियंस का जो है वो क्राइटेरिया यहाँ पे दिखता होगा। तो कैटेगरी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक सीट अवेलेबल है। तो बेसिक आपको हायर जो एज रिलैक्सेशन है वो 27 यहाँ पे होगा। और अगर हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम की, तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं एज ए टेम्परेरी बेसिस और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो उनके लिए जो है वो एज रिलैक्सेशन वन टाइम एज रिलैक्सेशन है और वो है 56 ईयर तक। बाकी के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जब वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो उनको जो है वो रिलैक्सेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस कॉलम में देखने को मिलेगी। तो नीचे आने के बाद कुछ बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शन है, देन कुछ इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे आपको दिखती होगी तो एक बार वो बता देता हूँ। जो ऐड है वो पब्लिश हुई थी 2 मार्च 2021 को और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हुए थे वो हुए थे 8 मार्च 2021 से। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की वो है 19 अप्रैल 2021 अप टू द 5 PM एंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेंट वो है 29 अप्रैल 2021। जो प्रोसेस है वो पूरी ऑनलाइन होने वाली है, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद जो डॉक्यूमेंट है और एप्लीकेशन के जो प्रिंट है वो आपको जो है ऊपर का जो एड्रेस दिया है वहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट से भेजनी होगी। जो बेसिक सी डिटेल है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट वो नीचे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ द फार्मासिस्ट, यहाँ पे आपको दिखता होगा पोस्ट का नेम फार्मासिस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पे आपको दिखती होगी, वन पोस्ट है, क्लासिफिकेशन ग्रुप सी के अकॉर्डिंग जो है वो पोस्ट आती है। यहाँ पे आपको उसका पे स्केल ग्रेड पे यहाँ पे दिया हुआ है। देन एज लिमिट है 27 ईयर अपर
और जो बेसिक एलिजिबिलिटी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आपको 7 नंबर में यहाँ पे दिखता होगा। तो 10+2 में आपका 12th साइंस में होना चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा विथ फर्स्ट क्लास फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकोगनाइज बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विथ मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिकोगनाइज हॉस्पिटल और फार्मेसी। तो एलिजिबिलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो है वो अगर आपका डिप्लोमा कम्प्लीट हुआ है तो आपका उसमें फर्स्ट क्लास जो है वो होना चाहिए और आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपने अगर 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस रहा होगा तो वो यहाँ पे ज़रूरी है। और ये आपके पास नहीं तो अगर आपकी डिग्री अगर बी फार्म आपने किया है तो भी चलेगा और आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। तो बेसिक सी एलिजिबिलिटी है, अगर आपके पास उसका डिप्लोमा है तो आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो अगर आपके पास बी फार्म है मीन्स आपका बैचलर हुआ है तो आपके एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है और आप जो है वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। तो बेसिक सी जो है वो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे दिखती होगी। नीचे आने के बाद जो है वो प्रोबेशन पीरियड जो होता है उसकी यहाँ पे डिटेल आपको दिखती होगी। नीचे करने बाद जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको दिखते होंगे, जो कैटेगरी के स्टूडेंट है उन्होंने अगर इसमें अप्लाई किया है तो उनके लिए कुछ यहाँ पे बेसिक से डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे आपको देने होंगे। तो ये आपको यहाँ पे अटेस्टेड करके फिलअप करके जो है फॉर्म के साथ भेजने होंगे, ये आपको नीचे यहाँ पे दिखते होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमने यहाँ पे एग्ज़ाम की फ़ीस जो है वो डिस्कस नहीं की। तो नीचे आने के बाद जो है वो आपको एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे आपको दिखती होगी तो वो एक बार जान लेते हैं। तो एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व कैटेगरी EWS OBC कैटेगरी शैल बी रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी दैट इज़ 1000 रुपीज़। तो सभी जो स्टूडेंट हैं अनरिजर्व कैटेगरी के हो या EWS OBC के हो तो उनके लिए 1000 जो है वो जो फीस है वो होने वाली है। SC ST और PW के लिए वैकेंसी नहीं है तो यहाँ पे कुछ फीस की कोई बात आती नहीं है। तो सभी जो स्टूडेंट हैं जो अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए जो फ़ी होने वाली है वो होने वाली 1000 रुपीज़। तो कुछ इस तरह की जो है बेसिक से ऐड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है ऑफिशियल साइट, यहाँ पे जाके आप जो आपको जो है वो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस करना है। एक बार फिर बता देता हूँ, जो लास्ट डेट है वो होने वाली 19 अप्रैल 2021। फॉर्म की डेट जो है ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट करने की वो स्टार्ट हुई है, वो डेट ख़त्म होने के पहले जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की जो है बेसिक सी एडवर्टाइजमेंट है, अगर आपके पास एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट। तब ख्याल रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।